ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर। अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके क्या प्रभाव आएंगे, अब वो देखते हैं। अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा तो ग्लेशियर में से आइस पिघल करके आएगी, आइस पिघलेगी तो सी का लेवल बढ़ेगा, और सी का लेवल जब बढ़ेगा तो सी शोर में रहने वाले जितने रीजन हैं उनकी पॉसिबिलिटी है कि उनके डूबने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ये देखा गया है कि हर 10 साल में अर्थ का टेम्परेचर अगर एवरेज मान के चले तो 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकेड अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारी बीमारी, बहुत सारे तकलीफ अपने आप आने लगेंगे। विंटर सीजन छोटे होते जाएंगे, समर सीजन बड़े होते जाएंगे, और जो पहले से ही ऑलरेडी समर सीजन थे वो बहुत ही गर्म और लंबे होते जाएंगे। कोस्टल एरिया में फ्लडिंग के कारण से नीदरलैंड और मालदीव जैसे देशों के ऊपर खतरा मंडराने लगेगा। बारिश पानी में ये मर्ज हो सकते हैं। सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, अभी तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारे डिसीजेस जो हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, रेस्पिरेटरी इलनेस डिसीज, ये सब डिसीजेस बढ़ने लगेंगे डायरेक्ट वेदर चेंज होने के कारण से। एक और चीज है कि समर सीजन में मोर्टेलिटी वैसे भी बढ़ जाती है, खास करके जो एल्डर पीपल होते हैं उनकी, तो ये इफेक्ट भी आने लगेगा। डिफॉरेस्टेशन भी एक मेजर रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन के कारण से जो गैसेस हैं, पॉल्यूटेंट गैसेस जो एब्जॉर्ब हो जाती थी फॉरेस्ट होने से, लेकिन वो डिफॉरेस्ट होने से एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो जो इंडस्ट्रियल लग की जो गैसेस हैं, पॉल्यूटेंट गैस, वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, जिसके कारण से एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। प्लांट्स में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ने लगता है। जब नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ता है तो वो पेस्ट के लिए और ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह से ग्लोबल का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, अर्थ का टेम्परेचर। कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? इसके प्रिवेंशन के लिए एक ही तरीका है कि फॉसिल फ्यूल का यूज कम करें, मोर प्लांट लगाएं, हम नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के साइड में बढ़ें। फिर से बहुत सारे फॉरेस्ट लगाने की जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ईयर 1987 में मोंटेरल प्रोटोकॉल, बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल था, वो आया। उसके बाद से क्लोरो फ्लोरो कार्बन के कंस्ट्रक्शन पे बैन लग गई, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे बैन लग गई। इस समय 27 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो है उन्होंने एक प्रोटोकॉल साइन किया था, वो कॉल था मोंटेरल प्रोटोकॉल। हर 5 साल में इसकी मीटिंग होती है और इस तरह से कार्बन फुटप्रिंट को किसी भी तरह कम करने के लिए काम किया जा रहा है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। हम ईयर 1989 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जा रहा है 5 जून को, ये भी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, जिसका स्लोगन ही है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्निंग।